फ्रेंड वेलकम वंस अगेन टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टी और वाई की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ टी है। हमें शो करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस टी थ्री टी। पैरामीटर फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कोसेंट रूल लगाएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ये, और न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे कोस टू टी अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट कोस टू टी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो डी एक्स ओवर डी टी आएगा, डिनोमिनेटर में कोस टू टी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और न्यूमिनेटर में कोस टू टी अंडर रूट इंटू साइन क्यूब की डेरिवेटिव थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू साइन की डेरिवेटिव हो भी कोस टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू अंडर रूट टू टी की डेरिवेटिव बनेगी वन ओवर अंडर रूट कोस टू टी इंटू माइनस साइन टी इंटू टू। और साथ में डिवाइडेड बाय टू, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसके बाद हमने इसको ऐसे लिखा है। अब कोस अंडर रूट टू टी को यहाँ से ख़त्म करेंगे, या तो हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट कोस टू टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो हमारे पास मिलेगा टू कोस टू टी इंटू कोस टू टी अंडर रूट, और यहाँ पर थ्री साइन स्क्वायर टी कोस टी, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ख़त्म कर देगा प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी। अब हमें यहाँ पर साइन टू टी को एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा टू साइन टी कोस टी, तो ये बन लेगा, बाकी एज इट इज लिख देते हैं, इसको दो नंबर मार्क कर दिया। अब हम इसी तरह से वाई इज इक्वल टू कोस क्यूब टी ओवर अंडर रूट कोस टू टी इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई ओवर डी टी। यहां भी हम कोसेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये जो है इसको यहाँ लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर
माइनस कोस क्यूब टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे इसकी, ये बनेगा कोस टू टी रूट, कोस क्यूब की डेरिवेटिव आएगी थ्री, एक पावर कम करके, फिर माइनस साइन टी कोस क्यूब टी, और इसकी डेरिवेटिव आएगी वन ओवर टू, रूट के अंदर आएगा कोस टू टी इंटू कोस की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन टू टी इंटू टू। अब टू और टू ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा कोस टू टी। अब यहाँ से हम कोस टू टी अंडर रूट को ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाके, और यही टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा कोस टू टी, ये मल्टीप्लाई की होके यहाँ अंडर रूट ख़त्म कर देगा, और थ्री हम यहाँ लिख लेते हैं कोस क्यूब टी इंटू साइन टी, ये माइनस बाहर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा कोस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, और डिनोमिनेटर में कोस टू टी। अब फिर यहाँ पर साइन टू टी को चेंज करके हम लिख देंगे माइनस टू टू साइन टी कोस टी। अब हमारे पास ये बन जाएगा, इसको हम नंबर थ्री मार्क कर देंगे, यह है डी वाई ओवर डी टी, और यहाँ पर कोस टू टी रूट जो ये वाला नीचे आया था वो भी यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम ये वाली चीज़ और न्यूमिनेटर थर्ड इक्वेशन का और जो सेकंड इक्वेशन लिखी थी उसका कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में सेकंड इक्वेशन का न्यूमिनेटर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर टू ये है, इसका न्यूमिनेटर जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेंगे, साइन टी कोस टी कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, हमारे पास कोस की पावर दो है एक रह जाएगी, और साइन ख़त्म हो जाएगा माइनस थ्री कोस टू टी एज इट इज़, टू यहाँ पर इसकी एक पावर ये एज इट इज रहेगा, ये और ये कॉमन के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर थ्री साइन के एक पावर कम हो जाएगी, साइन टी बचेगा कोस यहाँ पर बाहर कोस टू टी, और यहाँ से टू ये आ जाएगा इसकी साइन क्यूब टी और साइन टी कोस टी। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, अब हम यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करेंगे, ये वाले, ये वाला फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर हमारा आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर के लिए आएगा, और जिसमें कोस आएगा वो न्यूमिनेटर के लिए। वन माइनस कोस टू एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, वन प्लस कोस टू एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स, हमें वैल्यू चाहिए कोस टू एक्स की, तो ये कोस टू एक्स हम डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, और साइन टू एक्स कोस टू एक्स की वैल्यू ये दूसरे में, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूले यूज करेंगे, कोस टू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है डिनोमिनेटर में, बाकी एज इट इज लिखा, और न्यूमिनेटर में ये वाली वैल्यू लिख ली टू कोस स्क्वायर टी माइनस वन करके,
हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल 2t था, हमें एंगल चाहिए सिर्फ t में, यहाँ भी t है, यहाँ भी t, यहाँ भी t, सारा एंगल सिर्फ t में चेंज करने के लिए लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आगे देखते हैं। इसके आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 cos t माइनस ये cos³t और ये cos³t इकट्ठा होके इसकी माइनस सिक्स कोफिशेंट है, इसका 2 है तो -4 बचेगा, डिनोमिनेटर में -3 sin t और -6 और +2 कोफिशेंट -4 दे देंगे क्योंकि ये sin³t है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा प्लस का 4 cos³t और -3 cos t। तो ये हमें पता है, फॉर्मूला है का हमारे पास। अब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। cos³x इज इक्वल टू 4 cos³x माइनस 3 cos x और sin³x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³x। तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर रहेगा cos³x और ये बनेगा sin³x, और cos³x ओवर sin³x होता है cot³x, और यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।